लोगों का इंतजार अब समाप्त हो चुका है और पूरा भारत आज अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मना रहा है। भक्तों के प्यार और सैफरन रंग के साथ आज पूरा देश खिला हुआ है। सिलीगुड़ी के घरों से लेकर देश के हर एक कोने में लोग आज के दिन को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। आज 22 जनवरी 2024 के दिन 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चीफ मोहन भागवत और 7,000 से भी अधिक गेस्ट के साथ अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी से लेकर बॉलीवुड स्टार्स अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, विवेक ओबेरॉय, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और योगा गुरु रामदेव भी शामिल थे। राम मंदिर समारोह में मूल मुहूर्त 84 सेकंड का था। इस महत्वपूर्ण पीरियड में पीएम मोदी ने पीछे से भगवान की मूर्ति की आंखों की पट्टी खोली और फिर एक पतली सोने की छड़ी का उपयोग करके काजल से उनकी आंखों का अभिषेक किया गया। 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्माकुटी पूजा के साथ कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई थी। रामलला की 51 इंच की मूर्त को 17 जनवरी को परिसर में प्रवेश किया गया, जिसे मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है, और 18 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अपने घर पर पूजा की। आज अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से पहले अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर देश में कम्युनल हार्मनी के प्रमाण के रूप में काम करेगा। आज के शुभ दिन के लिए राम मंदिर में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और 13,000 फोर्सेस डिप्लॉयड किए गए हैं। इतना ही नहीं, 10,000 CCTV कैमरास और AI सपोर्टेड ड्रोन्स भी डिप्लॉय किया गया है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के कई राज्यों में कर्मचारियों को हाफ डे या हॉलीडे भी दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर भी रोशनी से जगमगा उठा और वहाँ भी लोग उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, अमेरिका और कई देशों में लोग राम मंदिर का जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या विजिट को कैंसिल कर दिया।